नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अभी शासन ने शासनाधीश एक जारी किया है, वो पीएनपी को एक लेटर दिया हुआ है यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं से संबंधित। तो अभी जो मन में एम्बिगिटीज थी वो भी क्लियर हो जानी चाहिए कि यूपी टेट और जो आपका सुपर टेट का पेपर है वो दिसंबर में है ना, बोल सकते हैं 28 नवंबर आपका यूपी टेट और उसके बाद दिसंबर में आपका आ जाएगा सुपर टेट का फॉर्म भी, और आपका जनवरी में हो सकता है पेपर भी करा ले। क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने एक लेटर भेजा है। किसे भेजा है? पीएनपी को भेजा है। किसके संबंध में भेजा है ये चीज यहाँ पे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पार्षद ज्ञापन आ रहा है, वो 4 तारीख को आ रहा है। कितने तारीख को आ रहा है? विज्ञापन 4/10 को आ रहा है, यानी कि 4 अक्टूबर को आ रहा है। ज्यादा समय नहीं बचा है, 4-5 दिन केवल बचा है आपका विज्ञापन के लिए। तो आपका जो एक वेट था इतने दिनों से है ना, इतने दिन से इंतजार था, वो खत्म हो गया। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 7 तारीख को, विज्ञापन आपका 4 को आ जाएगा लेकिन जो लिंक एक्टिवेट होगी वो 7 तारीख को होगी, 7 अक्टूबर को। और जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर है, ध्यान दीजिएगा, केवल 25/10 है, 25 अक्टूबर ही लास्ट डेट दिया गया है। यानी कायदे से आपको अगर 25 में से 7 माइनस करें तो यहां पे 12-13 दिन केवल यहां पे मान के चल रही है कि 15 दिन मुश्किल से आपका दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो 16-17 दिन जो भी मान के चले, 16-17 दिन आपका है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 26 है, और उसके बाद आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन के प्रिंट लेने की अंतिम तिथि जो है वो 27 है। यानी कि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा यहां पे जैसे 2018 में 15-17 दिन में पूरा करवा लिया था, वैसे यहां पे भी करवा ले रहा है। तो पूरा जो प्रक्रिया है वो 20 दिन का आपका प्रक्रिया पिछली बार भी दिया था, इस बार भी 7 से लेकर 27 20 दिन की प्रक्रिया दिया है। और उसके बाद परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण आवंटन हो जाएगा है ना, वो 26 तारीख तक हो जाएगा, 26/10 तक हो जाएगा कि कहां कहां पे होना चाहिए। और ये बोला है कि सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि जो है, मतलब कि कहां कहां पे उसके सेंटर बनाए जाने चाहिए। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की जो तिथि है वो 2/11 यानी 2 नवंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो आपकी यहाँ पे जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराने की जो तिथि है वो 8 है। खैर, इन सब डेटों से आपको मतलब नहीं है, दो डेट आपसे मतलब है। एक आपका क्या है, 7 तारीख, 7 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और अंतिम जो शुल्क जमा और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 25। तो 7 से 25 ये आपको ध्यान रखना है, 25 अक्टूबर ये डेट आपको मेन याद रखना है, क्योंकि अगर ये मिस कर दिए तो आप यूपी टेट में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगले में भी कुछ दिया है, उसके बाद जो जरूरी है बाकी तो कुछ नहीं, जरूरी है 28 तारीख को, जैसा बोला गया 28 नवंबर को आपका पेपर प्रस्तावित है, और पूरा जो आयोग है वो इस पे वर्क कर रहा है कि 28 नवंबर को पेपर करा लिया जाए। और एक महीने के अंतर्गत जैसे पिछली बार आपका रिजल्ट दे दिया था, ऐसे ही आप देखोगे तो 28 दिसंबर को वो क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा। एक महीने के अंतर्गत सारी प्रक्रिया हो जाएगी अंदर में अंदर ही, उसी में आपका आंसर की आ जाएगा, उसी में आप जो बोल सकते हो कि क्लेम करोगे अपने आंसर्स, अपने ऑप्शंस, वो भी उसी में जो त्रुटि है वो सही करके, और फाइनली रिजल्ट जो हो जाएगा वो 28 दिसंबर को यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी क्या है, जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 17 तारीख को आ जाएंगे। तो ये 17 तारीख, एक 7 तारीख, और एक आपको 25 तारीख याद रखना है, एक 17 तारीख याद रखना है, और एक यहाँ पे जो एग्जाम है वो 28 याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब से लेके अगर हम 28 नवंबर की बात करें तो समय हमारे पास बहुत कम है, कायदे से एक महीना भी नहीं है यूपी टेट का कोर्स यहाँ पे, आप समझ सकिए कि इतना भी वो नहीं। अगर करोगे तो समय जाएगा, एक महीने में आपको 5 विषय हैं, 5 विषय में आपका सीडीपी हो गया, आपका लैंग्वेज के 2 पार्ट हो गए, और आपका वहाँ पे ईवीएस भी वहाँ पे पूछेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपके 5 पार्ट हैं, इन 5 पार्ट को अच्छे से तैयार भी करना है, समय भी कम है, फॉर्म भी भरना है, सारी चीज़ें करनी है, तो अभी से एकदम तैयार हो जाइए, सारी लापरवाही छोड़ दीजिए, एकदम जुट जाइए। कॉम्पिटिशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सीटेट उधर भी लॉन्च हो गया है, यूपीटेट इधर लॉन्च हो गया है, और इसके जस्ट बाद सुपरटेट हो जाएगा। तो तैयारी आज से स्टार्ट कर दोगे तब जाके आप सुपरटेट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैं आपको बता दूं कि जनवरी माह में सुपरटेट भी कराया जाना प्रस्तावित है, तो हो सकता है करवा लेगा, ठीक है ना। आयोग बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, क्योंकि उनका यही काम है कि भैया चुनाव से पहले एटलीस्ट बच्चों का क्या कर दो, एग्जाम करवा दो, वो खुश रहे, उनका, उनके परिवार वाले, उनके घर वाले, सब लोग वोट बैंक तैयार होता चला जाए, ये आश्वासन देके कि भैया 70,000 71,000
वैकेंसी आ रही है, उसका रिजल्ट कब घोषित होता है वो बात अलग है, वहां पे हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये आपके पास मान के चलिए अंतिम समय है। और एक बात ये और याद रखिएगा कि हो सकता है इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत दिनों बाद है, तो इसे आप प्रथम और अंतिम चांस मान के तैयारी करिएगा। कोई भी आप यहाँ पे लापरवाही मत करिएगा। टीम ने इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स भी लॉन्च कर दिया है और ये कोर्स बहुत ही मिनिमम दाम में लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि बताया गया है जहां पे लोग यहाँ पे 4,000-5,000 लोग फीस रख रहे हैं, वहां पे आपको यकीन नहीं होगा कि 1,000 रुपए की फीस वो भी कुछ दिनों के लिए ये कितना 499 रुपए में, और कितना बड़ा टास्क है। आपको सारी क्लास लाइव दी जाएगी, सारे के सारे यहाँ पे नोट्स आपको बहुत वेल प्रॉपर दिए जाएंगे, और इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट वगैरह भी करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट। तो इतनी सारी चीजें आपको केवल 499 में दिया जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग प्राइस है। और इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे सुपर टेट का जो बैच है वो भी आपका 2000 का बैच मात्र 899 में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो अभी आज अगर बैच से जुड़ना चाह रहे हो, इसके जो डेमो क्लासेस हैं या जो क्लासेस हैं वो टाइम टेबल आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ये इन टाइम टेबल पे क्लासेस चल रही है। मैं यूपी टेट का टाइम टेबल आपको दिखा दे रहा हूँ, मंडे से पूरा संडे तक 7 के 7 दिन क्लासेस हैं। 8 बजे जो यहाँ पे सबसे ज्यादा डर लगता है मैथ्स बहुत प्रॉपर तरीके से आपकी यहाँ पे कवर कराई जा रही है, और 7 के 7 दिन मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूँ, आप जाके डेमो देख भी सकते हो। ईवीएस हो गया पार्ट आपका, 3 दिन ईवीएस चलेगा, 2 दिन लैंग्वेज चलेगा, 1 दिन मैराथन चलेगा। उसके बाद आप सीडीपी देखो तो 4 दिन सीडीपी चल रहा है, 2 दिन ये भी ईवीएस का पार्ट साइंस वाला पोर्शन चल रहा है, और उसके बाद यहां पे ज्योग्राफी 2 दिन चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट जो ब्लैंक है वो भी आपके यहां पे लगा दिए जाएंगे। तो दिन में 4 क्लासेस आपके बहुत वेल प्रॉपर्ड मैनर में, और यानी कि हम केवल एमसीक्यू आधारित और आपका वो करेंगे, बहुत ही 1 महीने में जितना जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। और आपको देखिए पहली बात तो यहां पे पात्रता परीक्षा है, केवल 90 नंबर लाना है, है ना, ये नहीं कि आपको यहां पे 150 में 150 लाना है, वहां पे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके स्कोर इतने अच्छे हो जाएं कि आप एकदम वहां पे चांस जो है सुपर टेट में बैठने का वो फुल आपका बन जाए। तो टीम इसके साथ पूरी मेहनत करने के प्रतिबद्ध है, आप भी आज से ही अपनी गंभीरता बढ़ा दो और अपनी तैयारी शुरुआत कर दो। आपको कोई भी समस्या होती है, चाहे वो नोटिफिकेशन से लेके, चाहे वो फॉर्म कैसे भरना है, चाहे तैयारी कैसे करें, चाहे हमें नोट्स कहां से मिलेगा, क्लासेस कहां से मिलेंगी, तमाम जो आपके क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और पूरी कोशिश की जाती है, टीम परीक्षा प्लस हर बच्चे के क्वेश्चन का कमेंट का जवाब देती है, और अभी भी दिया जाएगा, जितने भी आपके कमेंट आएंगे जैसे भी आएंगे रात के 2-2 बजे तक आपके उत्तर के जवाब यहां पे दिए, प्रश्न के जवाब दिए जाते हैं, तो इससे आपका और भी सहज हो जाता है चीजें। चलिए हम लोग फिर कोर्स में मिलेंगे, तमाम जानकारी कैसे तैयारी करनी है, कैसे कौन सी किताबें चुने, कौन से नोट्स चुने, सब कुछ यहां पे हम लोग यहां पे आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।